Subscribe here and hit the bell icon for our latest videos. 12 advanced yoga asanas to stay fit at home. Do follow part 1 of Yoga Beginners for this. Link is in the description box. Let's begin. First asan jo hai, uska naam hai Gaumukhasan. Ise hum cow face pose bhi kehte hain. इस पोज में आपको इस तरह से अपने लेग्स को रखना है, एक के ऊपर एक को क्रॉस करना है और हैंड्स को, दोनों हैंड्स को पीछे ले जाना है कुछ इस तरह से। देखिए कि आपको दोनों हाथों को एक दूसरे से बांध लेना है इस तरह से, एक के ऊपर एक आपने लेग को रखना है। इस आसन के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट रिलीव्स क्रॉनिक नी एंड बैक पेन, strengthens your spine and abdominal muscles. Let's do it once more. Just stretch your hands. ये काफी practice लगेगा, उसके बाद हो जाएगा ये. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. नॉर्मल बैठेंगे ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हो सके। नेक्स्ट आसन इज सर्वांगासन। इस तरह से अपने लेग्स को ऊपर लीजिए, बैलेंस करिए, पूरे लेग्स को स्ट्रेच करिए प्रॉपरली और अपने दोनों हैंड से अपने बैक को सपोर्ट कीजिए। पूरी तरह से लेग्स को स्ट्रेच करने का कोशिश करेंगे आप और धीरे से लेग्स को फोल्ड करके आराम से हम नीचे आएंगे इस तरह से, एकदम स्लोली आइएगा। इट प्रिवेंट्स हेयर फॉल एंड फेशियल प्रॉब्लम्स, बेनिफिशियल फॉर एस्थमा एंड थायराइड। एक बार और हम दोहराएंगे यही आसन को। दोनों लेग्स को इस तरह से ऊपर पुश करेंगे, ऊपर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एकदम स्लोली आप अपना लोअर पोर्शन पहले रखिए और कीप ब्रीदिंग, रेस्ट मोड पर अच्छी तरह से ब्रीद करिए, रिलैक्स होइए। वेरी नाइस। नेक्स्ट आसन है हलासन। इस आसन में आपको दोनों लेग्स को अपने सिर से होते हुए पीछे की तरफ ले जाना है और एकदम स्ट्रेट रहेंगे आपके हैंड्स, जिस तरह से दिखाया गया है इस पोजीशन में रखना है आपको। स्ट्रेट लेग्स जितना रखेंगे उतना अच्छा है और धीरे से आप अगेन सेम रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। इस आसन के कुछ बेनिफिट्स हैं, इट हेल्प्स रिलीव द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, थेरेप्यूटिक फॉर बैकएक, हेडेक एंड इनफर्टिलिटी। लेट्स डू इट वंस मोर। दोनों लेग्स को उठा करके पीछे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इट्स टाइम टू रेस्ट। धीरे से अपनी पोजीशन में आएंगे एकदम आराम से एंड लेग्स को इस तरह से प्लेस कर दीजिए। अच्छी तरह से ब्रीथ करेंगे and we will move on to another position. Next asana hai Falkasana, jise hum plank pose bhi kehte hain. Is tarah se apne hands ko door rakh kar ke apni body ko puri tarah se straight rakhiye, ek bhi angle rahega, bilkul bhi upar niche aapko nahi karna hai. It's time to rest. Falkasana builds core muscle strength, enhances the metabolism. Let's do it once more. Position and count. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. आप जितनी बार भी जो भी आसन करें उनको प्रैक्टिस के बाद ही ज़्यादा काउंट बढ़ाएं। अगर आप बहुत जल्दी आसन के काउंट बढ़ाएंगे तो आपको पेन्स आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन जिसका नाम है
वशिष्ठासन, इस तरह से लेग्स को लॉक करिए एंड दोनों हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, जिसे हम साइड प्लैंक पोज कहते हैं। बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेट रखिएगा और अब हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। दिस आसन ओपन्स द हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, स्ट्रेंथन्स द रिस्ट, शोल्डर, फोरआर्म एंड स्पाइन। लेट्स डू इट वंस मोर। लाइंस एकदम स्ट्रेट रखेंगे एंड ऊपर वाला हैंड भी 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट्स टाइम टू रेस्ट। एकदम स्लोली आप अपनी पोजीशन पर आएंगे। इफ यू हैव एनी अदर इंजरी प्लीज डू नॉट डू दीज आसनास। एक बार आप मेडिकल कंसल्ट करें उसके बाद ही इन आसन्स को करें, बिकॉज ये एडवांस लेवल के आसन्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है सेतु बंध सर्वांगासन, जिसे हम शोल्डर ब्रिज पोज भी कहते हैं। इस तरह से आप पोजीशन में आएंगे, अपना लोअर पार्ट जो है सिर्फ उसे आपको उठाना है पूरी तरह से। हैंड्स को साइड में रखेंगे एंड नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। सेतु बंध सर्वांगासन क्योर्स बैक पेन एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन। It is good for pregnant women. Let's do it once more. Up and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. Breathe properly and make yourself relaxed. Breathe in and breathe out. Let's move on to another asan, Shalbhasan. इस आसन में आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। दोनों हैंड्स हवा में रहेंगे, नेक ऊपर की तरफ और आपके दोनों लेग्स भी हवा में रहेंगे इस तरह से, एंड होल्ड करना है आपको। Strengthens the spine and opens the chest, massages abdominal organs. Let's do it once more. Up, breathe and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. आप धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, ब्रीद करेंगे, अपनी बॉडी को एकदम लाइट छोड़ देंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है धनुरासन, बो पोज। दोनों लेग्स को एकदम अच्छी तरीके से अपने पाम्स से पकड़ लेंगे, चेस्ट ऊपर की तरफ, और होल्ड करिएगा इसी पोजीशन में जितनी देर आप कर पाएं। And relax. Dhanurasana is much effective in weight loss. It cures menstruation disorder and diabetes. Let's do it once again. Join your legs with your hands and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just make your body relaxed. Breathe in and breathe out. अपनी लोअर बैक को अच्छी तरीके से आप रिलैक्स करो। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है बकासन, क्रो पोज। इस पोजीशन को करते समय आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपने हैंड्स के पर अपना बॉडी का सारा वेट देना होता है। जिनका बहुत ज्यादा वेट है वो इस आसन को अभी ना करें। लेग्स, बॉडी, सब कुछ आपके हैंड्स के ऊपर आ जाता है पूरा वेट। बकासन बिल्ड्स एंड्योरेंस एंड मेंटल फोकस।
it balances nervous system and strengthens the core. Let's do the Tapakasana once more. Hold your hands tightly and give the count. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। चक्रासन, व्हील पोज। इस आसन के लिए आपको पूरी तरह से पीछे की तरफ अपनी बॉडी को बेंड करना है, अपने लेग्स और हैंड्स को ब्रिज पोजीशन में लाना है, इस तरह से होल्ड इट और धीरे से नीचे की तरफ आप जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। चक्रासन स्ट्रेंथन्स लीवर, पैनक्रियास एंड किडनीज, beneficial for the heart and lungs. Let's do it once more. धीरे से आप नीचे जाएं, बैलेंस करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. Just relax in this position. Breathe in and breathe out. अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है सुप्त वीरासन, reclining hero pose. इस पोजीशन में आपको अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करना है और पीछे की तरफ पूरी तरह से लेट जाना है, हैंड्स को अपने सिर के ऊपर दोनों को बांध लेना है इस तरह से, और अपने हैंड्स को आप सिंपली आगे Supt Virasan helps people who suffer from high blood pressure. It relieves sleeping disorders. एक बार और हम लेट जाएंगे इस तरह से, हैंड्स को पीछे ले जाएंगे and we'll get the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's time to rest. Just breathe properly, make your body relaxed. And अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है शवासन, corpse pose. Do it at least for 1 minute. अपनी बॉडी को पूरी तरह से लाइट छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स पोजिशन में आएंगे, लेग्स को दूर रखेंगे एक दूसरे से, हैंड्स को बॉडी से दूर रखेंगे, शवासन स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, रिलैक्सेस ओवरऑल मसल्स एंड इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन. जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Also, you should close your eyes while doing Shavasana. And breathe in and breathe out. In 5, 4, 3, 2, 1. You can continue to do this for 5 to 10 minutes. Do all the asanas daily for best results. Part 1 video link, it is in the description box. Keep practicing and stay fit.